जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, मैं प्रिंस वेलकम करता हूं आप सभी का स्टडी फॉर जीनियस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे दिल्ली पुलिस ड्राइवर की न्यू वैकेंसी के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों इसका एग्जाम 21 अक्टूबर से कराया जाएगा। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके सामने सारे जितने भी डाटा हैं, चाहे वो पुरानी वैकेंसी का हो चाहे न्यू वैकेंसी का हो, सारा कुछ लेकर आ चुका हूं दोस्तों। ये डाटा आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं ना, तो इसको दोस्तों आपको पूरा देखना पड़ेगा भाई। कंप्लीट डाटा है आपके पास कि सैलरी क्या है, पिछली कट ऑफ कितनी थी, अब की कट ऑफ कितनी आएगी, कितना कंपटीशन है, एक सीट पर कितना दोस्तों कंपटीशन रहेगा, और दोस्तों हर कैटेगरी में कितना कंपटीशन रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों एक सेकंड भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगी भाई इस वीडियो को बनाने में, और सारा का सारा दोस्तों डाटा आप सभी के सामने लिखा गया है। मैं इसको समझाऊंगा, बिल्कुल दोस्तों इंपोर्टेंट वीडियो है भाई, यकीन दिलाता हूं। मैंने इस वीडियो में कम से कम दोस्तों 4 से 5 घंटे मेहनत की है, तब जाकर मैं वीडियो बना रहा हूं, ऐसी नहीं बनती है। और बहुत सारे मेरे भाई बोल रहे थे जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि भाई आप गलत बोल रहे हैं, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है। और बहुत सारे लड़के ये भी बोल रहे थे कि भाई यहाँ पर मैंने एक शब्द मिस कर दिया था, मैंने 21 अक्टूबर को 27 अक्टूबर बोल दिया था, उसके लिए दोस्तों सॉरी, मैंने गलती से बोल दिया था वो, तो क्योंकि भाई 8 से 9 मिनट में छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन ये काफी बड़ी मिस्टेक मुझे लगी, इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के सॉरी बोलना चाहता हूं कि मुझे मिस्टेक हुई है। लेकिन भाई किसी एक गलती को इतना बड़ा मत करिएगा ताकि सामने वाला बंदा जो है डीमोटिवेट हो जाए, क्योंकि कितनी मेहनत लगती है हमें पता है भाई, ठीक है। चलिए जानते हैं दोस्तों इसके बारे में, लेकिन मैं दोस्तों आपको इस बारे में अपडेट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, खुद मेरा भी सिलेक्शन हुआ है भाई एसएससी में, और मैं भी खुद सिलेक्टेड हूं, तो काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इसके एग्जाम की तैयारी कैसे करें, वो सबसे पहले बता दीजिए। तो मैं बार बार दोस्तों आप सभी से बोलता हूं कि अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा एक नंबर है 6396453592। ये नंबर है दोस्तों, इस नंबर को नोट कर लीजिएगा। ये नंबर मैं क्यों दे रहा हूं आपको, ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, और इस पर हम आपको दोस्तों एसएससी दिल्ली पुलिस ड्राइवर का जो कंप्लीट दोस्तों पीडीएफ दे रहे हैं, केवल दोस्तों यहां पर 100 रुपए का बस, जिसको लेना है ले सकता है, ऑफर चल रहा है दोस्तों, सीमित समय के लिए ऑफर है, फिर इसके बाद पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने खुद इसी पीडीएफ से तैयार करके एसएससी का एग्जाम निकाला है, और आप भी निकाल सकते हैं। पीडीएफ में दोस्तों आपको जो है यहां पर ड्राइवर का पार्ट और दोस्तों मैथ रीजनिंग जीके जीएस सब कुछ मिलेगा, तो आप इस पीडीएफ को भाई जरूर लीजिएगा, क्योंकि मैं दोस्तों यकीन दिलाता हूं भाई इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद वाकई आपका एग्जाम निकलेगा, क्योंकि खुद मुझे भरोसा इस पीडीएफ पर, खुद मेरा भी एग्जाम क्लियर हुआ है। तो मेरे दोस्त जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई आप यहां पर जो है बिजनेस कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, वो तो बोलते रहेंगे, लेकिन यकीन दोस्तों दिलाता हूं मैं कि जिसने इस पीडीएफ को ले लिया, वास्तव में दोस्तों कुछ ना कुछ उसे नया जरूर मिलेगा इस पीडीएफ में, चाहे आपने कितनी किताब पढ़ ली हो, ये पीडीएफ में कुछ ना कुछ नया आपको जरूर मिलेगा। जिसको ये लग रहा है कि बिजनेस कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो वो इन पर ही उलझा रहेगा, उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। जिसको लेना है ले सकता है। पीडीएफ का प्राइस कम क्यों रखा है 100 रुपए, क्योंकि हर बच्चा दोस्तों ले सकता है, फ्री की चीज मैं देता नहीं, क्योंकि फ्री की चीज की आज की कोई वैल्यू नहीं होती है, वो मोबाइल में पड़े रहेगी, उसको आप कभी ओपन नहीं करोगे, इसलिए मैं यहां पर 100 रुपए कम से कम प्राइस आपसे ले रहा हूं, ठीक है, जिसको अच्छा लगे ले सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए सबसे बड़ी बात जो है इसमें यह है कि भाई 1411 वैकेंसी आप लोग समझ बैठे हैं कि 1411 वैकेंसी है, जी हाँ ये तो आप सभी को पता है, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग इस बार भी है, ये आपको पता होनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, यानी 0.25 नंबर आपका कट जाएगा। एक क्वेश्चन यहां पर आपने अगर 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक सही क्वेश्चन आपका कट जाएगा, एक क्वेश्चन गलत करने पर 0.25 नंबर इसमें कट जाता है। 21 अक्टूबर आपके दिमाग में ये डेट आनी चाहिए, क्योंकि 21 अक्टूबर से आप सभी का जो एग्जाम है वो कराया जाएगा, ठीक है भाई, 21 अक्टूबर से। अब देखिए दोस्तों यहां पर बात करेंगे 2012 और 2022 की कट ऑफ में क्या डिफरेंट रहने वाला है, ठीक है। देखिए पहले क्या था दोस्तों, पहले जनरल में जो वैकेंसी आई थी उसमें 299 पोस्ट थी भाई आपकी, ओबीसी में 2012 की बात कर रहा हूं मैं, ओबीसी में 181 पोस्ट थी, एससी में 192 पोस्ट थी, और एसटी में दोस्तों 80 पोस्ट थी। ईडब्ल्यूएस उस टाइम पर नहीं था, ठीक है भाई, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उस टाइम पर नहीं थी। उस टाइम कट ऑफ किया गया था जनरल का, जनरल कट ऑफ गया था 78। इतना हाई कैसे? क्योंकि भाई उस टाइम जो था ना लड्डू क्वेश्चन आए थे, बहुत हलवा दोस्तों पेपर था, आप लोग बिल्कुल निकाल लोगे। राजधानी पूछी गई थी, बताइए दोस्तों जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या थी,
ये क्वेश्चन आए थे वर्तमान प्रधानमंत्री कौन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, लड्डू क्वेश्चन थे, क्योंकि 2012 में कंपटीशन काफी ज्यादा कम था। लेकिन अब चल रहा है दोस्तों 2022 और 10 साल हो चुके हैं, कंपटीशन कितना हाई हो चुका है वो आप सभी को पता होना चाहिए। ओबीसी कट ऑफ 74, एससी कम क्यों गई थी, एससी में वैकेंसी ज्यादा थी, जनरल से ज्यादा वैकेंसी थी, सॉरी ओबीसी से ज्यादा वैकेंसी थी, 181 ओबीसी की है और 192 दोस्तों किसकी है, एससी की है, इसलिए क्योंकि अब दोस्तों ओबीसी से कम वैकेंसी आई है यहां पर एससी की, इसलिए कट ऑफ ज्यादा जाएगी। एसटी की 80 वैकेंसी थी इसलिए कट ऑफ ज्यादा गई थी, क्योंकि एसटी वाले बच्चे भी दोस्तों काफी ज्यादा फॉर्म को इसमें फिलअप किए थे, क्योंकि मध्य प्रदेश में ज्यादा एसटी है और वहां से ज्यादा फॉर्म आते हैं। तो ईडब्ल्यूएस का डाटा नहीं है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया है। अब बात करेंगे 2022 में इस बार क्या चेंज होने को जा रहा है। 2022 में देखिए दोस्तों वैकेंसी ज्यादा है, ठीक है, तो देखिए पहले 299 थी, इस बार 604 वैकेंसी है जनरल के लिए, टोटल नहीं बता रहा हूं, टोटल जो वैकेंसी है 1411 है, आप देख भी सकते हैं। ओबीसी की जो इसमें वैकेंसी है 353 है, एससी की दोस्तों इस बार वैकेंसी ओबीसी से कम है, पिछली बार ओबीसी से ज्यादा थी, ये देखिए ओबीसी की 181 और एससी की 192, अब एससी की है 262, एसटी की दोस्तों 50 वैकेंसी फिर कम हो गई, 80 वैकेंसी थी पहले की लेकिन अब 50 है। अब आप समझिए दोस्तों इसकी कट ऑफ कितनी हाई जाएगी, पहले से मुकाबले हाई जाएगी भाई। ईडब्ल्यूएस की इस बार आया है भाई ईडब्ल्यूएस, तो 142 वैकेंसी इसमें है। अब बात करेंगे कट ऑफ क्या रहेगी, क्या डिफरेंट रहेगा कट ऑफ में, तो देखिए जनरल की जो कट ऑफ है भाई पहले 78 गई थी, लेकिन इस बार कम क्यों जाएगी, एक तो नेगेटिव मार्किंग, ऊपर से दोस्तों कंपटीशन ज्यादा, और वो लोग भी बाहर हो जाएंगे इसमें जो लोग जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस में दोस्तों कमी की है, जिनका जो हैवी मोटर व्हीकल है वो दोस्तों उन्होंने गलत यूज कर लिया है, यानी हैवी मोटर व्हीकल की जगह उन्होंने लर्निंग लाइसेंस उन्होंने यूज कर लिया है, और जो डेट दी गई है आपको एग्जाम की लास्ट डेट से पहले का आपको मांगा गया है जो हैवी मोटर व्हीकल है वो आपके पास नहीं है, तो वास्तव में डेफिनेटली आपका जो एग्जाम है, सॉरी आपका जो ये यहां पर दोस्तों फॉरम है वो रिजेक्ट माना जाएगा, ठीक है भाई। तो इसलिए दोस्तों कंपटीशन काफी ज्यादा कम रहने वाला है, तो कट ऑफ भी थोड़ी कम रहेगी इस बार। मैंने पिछली जो कट ऑफ थी उसमें कुछ चेंज किया है, पिछली कट ऑफ मैंने थोड़ा सा, मुझे भी लगा कि भाई वास्तव में पिछली कट ऑफ में कुछ ना कुछ कमियां हैं, क्योंकि इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि मुझे नहीं पता था नेगेटिव मार्किंग थी उस टाइम, रियल बता रहा हूं भाई, मैं वैसे वीडियो बना रहा हूं लेकिन नेगेटिव मार्किंग मुझे अभी रोल पता चला है, और पिछली कट ऑफ में ये देख के मैं अचंबा रह गया कि वास्तव में मैंने कट ऑफ थोड़ा बहुत ज्यादा बता दिया, इसलिए लोगों ने मुझे भड़क गए कि भाई आपको कुछ नहीं पता है। तो मेरे दोस्त देखिए उस टाइम मैंने कट ऑफ में मिस्टेक किया, मैं समझ सकता हूं, लेकिन इस बार कट ऑफ बिल्कुल एक्यूरेट है, चाहे इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिएगा अपने घर, और जब आपकी कट ऑफ आए तब मुझे बताना। 78 कट ऑफ गई थी, लेकिन इस बार दोस्तों आपकी जो कट ऑफ है वो यहां पर जो रहेगी वो 66 से दोस्तों 68 के बीच में रहेगी, किसकी, जनरल की, इससे नीचे भी नहीं जाएगी, कभी आप सोचोगे बिल्कुल नीचे चली जाएगी, इससे नीचे नहीं जाएगी, ये दोस्तों आपकी फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं भाई, मैं फाइनल कट ऑफ की। ओबीसी कट ऑफ के बारे में बात करूं तो ओबीसी की कट ऑफ दोस्तों देखिए इस बार 65 से लेकर दोस्तों 67 के बीच में रह सकती है। एससी कट ऑफ के बारे में बात करूं दोस्तों, ईडब्ल्यूएस नीचे है उसके बारे में बात करेंगे पहले, बाद में करेंगे, लेकिन पहले एससी कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। इस बार दोस्तों एससी की वैकेंसी कम है ओबीसी से, तो कट ऑफ दोस्तों थोड़ी हाई हो सकती है, लेकिन इतनी हाई भी नहीं, ये कट ऑफ आपकी दोस्तों 52 से लेकर 54 के बीच में जा सकती है, 52 से 54 के बीच में। वहीं दोस्तों एसटी इस बार देखिए दोस्तों वैकेंसी पहले से कम लेके बैठा है, यहां देखिए आप 80 थी पहले, अब 50 हो गई, तो डेफिनेटली कट ऑफ बढ़ेगी, और कितनी बढ़ेगी दोस्तों देखिए, ये 58 से लेकर यहां पर 60 के बीच में भी जा सकती है भाई ये कट ऑफ। और ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करूं तो ईडब्ल्यूएस दोस्तों यहां पर 63 से लेकर यहां पर 65 के बीच में फाइट करेगा, तो ये कट ऑफ इस बार इतनी रहेगी, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे दोस्तों किसी को भी दिखा लीजिएगा, बाद में जब कट ऑफ आए एक बार मुझे बोल दीजिएगा कि सर आपने कट ऑफ बताई थी और ये कट ऑफ इतनी नहीं रही है, इससे के आसपास घूमेगी, फिक्स तो मैं नहीं बता रहा, ये फिक्स नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं इसके बीच में रह सकती है, इससे एक दो नंबर ऊपर नीचे जा सकती है, और इससे ज्यादा नहीं जाएगी 4-5 नंबर या ना ही नीचे जाएगी, ठीक है, ये आप ले लीजिए, एक नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब जानेंगे दोस्तों कितने टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं, कंपटीशन क्या रहेगा, तो देखिए दोस्तों टोटल जो हमारे पास फॉर्म आए हैं वो आए हैं 199,321, ठीक है भाई, 199,321 फॉर्म आए हैं, और 1411 में दोस्तों 20 गुना करें, क्योंकि 20 गुना छात्रों को लिया जाएगा पहली लिस्ट में, जो पहली लिस्ट लगी उसमें, तो 28,220 स्टूडेंट पहली कट ऑफ में पास किए जाएंगे, 28,220, देखिए
अब 28,220 स्टूडेंट पास हैं, लेकिन ये बाहर भी होंगे क्योंकि भाई केवल कितने लोगों को लेना है, 1411 लोगों को लेना है, ये तो आप सभी को पता है। अगर मैं दोस्तों एक सीट पर तुलना करूं कितने लोगों को आपको बाहर करना पड़ेगा, 1411 अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो 141 लोगों को आपको फाइट करना पड़ेगा, 141 लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा तो आपको जॉब मिलेगी। लेकिन ये फिक्स नहीं है डाटा 141 क्यों, क्योंकि इसमें से दोस्तों कुछ लोग बाहर भी होंगे, कम से कम दोस्तों 10 से 15 हजार फॉर्म रिजेक्ट होंगे, तो मैं बोलूंगा ये कम से कम डाटा जो है 120-130 तक फाइट करेगा। लेकिन अगर आपको फुल सिलेक्शन चाहिए, फाइनल सिलेक्शन चाहिए, तो आपको दोस्तों अगर 28,220 पे सिलेक्शन चाहिए तो आपको 7 बंदे एक सीट पर मिलेंगे, लेकिन फुल सिलेक्शन पर आपको 141 लोगों को क्रैक करना पड़ेगा। फुल सिलेक्शन पर 141 नहीं बोलेंगे तो कम से कम यहां बोल सकते हैं कि 120-125 लोगों को आपको फाइट तो करना ही पड़ेगा। अब नए फॉर्म कुछ बड़े हैं, ये देख लीजिए आपके सामने लिख दिए मैंने कितने नए फॉर्म आए हैं, वो आप यहां पर देख लीजिए। जनरल में 520 फॉर्म फिलअप हुए हैं, क्योंकि ये कुछ डाटा पहले था 1,97,000 का हमारे पास, लेकिन अब जो डाटा निकल के आया है 1818 नए फॉर्म आए उनका भी देख लीजिए। 520 दोस्तों नए जनरल के आए फॉर्म, ईडब्ल्यूएस के 232, ओबीसी के देखिए दोस्तों 1,046 फॉर्म आए भाई, 1818 में 1,046, यानी ओबीसी का बंदा बहुत ज्यादा भाई इसमें है। ओबीसी कट ऑफ दोस्तों मुझे लग रहा है कि जनरल से भी ज्यादा जा सकती है भाई इस बार, तो जनरल के आसपास ही लिखिए मैंने, देख लो क्यों जाएगी, क्योंकि कट ऑफ देखिए आप फॉर्म देखिए 85,000 है दोस्तों ओबीसी के फॉर्म, यानी 42,000 जनरल के टोटल और 85,056, हो सकता है दोस्तों ये कट ऑफ चेंज हो जाए, यानी 68 पहुंच जाए किसी कट ऑफ ओबीसी की और 65 रह जाए जनरल की, हो सकता है ये बोल रहा हूं मैं, क्योंकि 85,000 फॉरम है आप खुद देखिए। और एससी के जो दोस्तों फॉरम इस बार बढ़े हैं 14 बढ़े हैं, और एसटी के 6 बढ़े हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं ज्यादा, क्योंकि 6 फॉरम ये कभी भी रिजेक्ट हो जाएंगे 14 फॉरम। लेकिन मुझे तो दोस्तों इस बात पर ये लग रहा है कि भाई 1,046 फॉरम 1800 में से दोस्तों भर दिया ओबीसी वालों ने, ओबीसी वाले काफी ज्यादा एक्टिव है इस वैकेंसी को लेकर, 85,000 टोटल देखिए दोस्तों 1,99,000 से 85,056 लगभग 50% लोग यानी 50 नहीं बोलेंगे 40% लोग दोस्तों ओबीसी के ही है इस बार, आप सोचिए फिर कंप्यूटर कितना है। और देखिए दोस्तों जिसको सैलरी के बारे में नहीं पता सैलरी कितनी मिलेगी इसमें, तो सैलरी लगभग 50,000 के समथिंग मिलती है, 49,224 सैलरी है जो मुझे बताई गई है एक मेरे यहाँ मित्र उनके द्वारा। और जो सिलेबस है 10 नंबर का मैथ है, 20 नंबर का रीजनिंग है, 20 नंबर का जीके जीएस है, 50 नंबर का दोस्तों ड्राइवर पार्ट है, जिसमें से टेक्निकल और ट्रैफिक दो तरह का आपका पार्ट होता है। ये जिसको नहीं दिखाई दे रहा है ये ट्रैफिक लिखा हुआ है, क्योंकि रिफ्लेक्शन पड़ रहा है भाई लाइट का, तो ये ट्रैफिक लिखा हुआ है, मैं आपको यहां लिख के दिखा देता हूं, इसमें ट्रैफिक का है ठीक है भाई, ये ट्रैफिक और दोस्तों टेक्निकल दो पार्ट रहेंगे आपके, ट्रैफिक और टेक्निकल, इन सभी को आपको पढ़ के जाना पड़ेगा भाई ठीक है। और पीडीएफ जिसे चाहिए वो ले सकता है। अब मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए भाई, टोटल फॉर्म कितने 1,99,321, 2,00,000 समझ सकते हैं भाई, 2,00,000 से ज्यादा तो नहीं होंगे, 2,00,000 में भी 10-15,000 दोस्तों रिजेक्ट हो जाएंगे, तो 1,00,000 के यानी आप समझिए 2,50,000 समथिंग फॉर्म आए हैं अब, ये समझिए बस, क्योंकि रिजेक्ट भी होने भाई उन लोगों के जिन्होंने गलत फॉर्म भर दिया है, क्योंकि जिनके पास लाइसेंस नहीं था उनके रिजेक्ट होंगे। और ये कंपटीशन काफी ज्यादा है दोस्तों, 141 लोगों को आपको क्रैक करके जाना पड़ेगा अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए। लेकिन आपको सिर्फ इसमें जाना है कि मुझे बस फाइनल सिलेक्शन में नहीं जाना है, मेरा पहली लिस्ट में नाम आ जाए तो केवल 7 लोगों को आपको क्वालिफाई करना होगा, 7 या 6 लोग बोल सकते हैं, लेकिन आपको तो भाई फाइनल तक जाना है ना, तो फाइनल तक जाने के लिए 130-135 लोगों को करेक्ट करके जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसमें से वो लोग भी निकाल दिए हैं जिनके फॉर्म रिजेक्ट होंगे। तो आपको ये समझना है कि अब सीट पर 130 स्टूडेंट हैं और 130 स्टूडेंट को आपको दोस्तों यहां पर बाहर करना पड़ेगा। अब 130 स्टूडेंट कैसे बाहर करेंगे वो आप समझ सकते हैं, मेरे टाइम पर एसएससी जीडी में 70,00,000 फॉर्म थे और 25,000 वैकेंसी थी, समझिए दोस्तों कितने लोगों को करेक्ट किया होगा मैंने ठीक है। तो आप तो क्यों डर रहे हो भाई, 130 ज्यादा नहीं होता है, कुछ ऐसे नमूने भी होते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, फॉर्म भर देते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, तो उनको देखना है आपको यार, आप पढ़ने वाला हो तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, टेंशन ना लो दोस्तों, बिल्कुल सिलेक्शन होगा, पीडीएफ आपके साथ है और प्रिंस आपके साथ हमेशा रहेगा, जो भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा, पूरी कोशिश रहेगी मेरी रिप्लाई करने की। लेकिन दोस्तों आप अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैं रिप्लाई कर दूंगा, अगर आपको ज्यादा मुझसे जल्दी बात करनी है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या दोस्तों कमेंट बॉक्स में जो मैंने यहां पर ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए होता है यूट्यूब पर, इसमें भी आप रिप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना, उसमें मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। फाइनली दोस्तों ये मेरा कंप्लीट वीडियो था, और अब आप जिस टॉपिक पर वीडियो बोलोगे
पढ़ाने के बारे में या दोस्तों किसी के बारे में, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। और हमारा एप्लीकेशन है, जिसने डाउनलोड नहीं किया स्टडी फॉर जीनियस का ऑफिशियल एप्लीकेशन, जिस पे आपका टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सब कुछ चलता है, उसको भी दोस्तों आप ले सकते हैं। स्टडी फॉर जीनियस का ऑफिशियल ऐप है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैं आपको जिसको भी सर्च करना है सर्च कर सकता है दोस्तों प्ले स्टोर पर, ठीक है, STUDY स्टडी फॉर GENIUS, स्टडी फॉर जीनियस एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर मिल जाएगा इजीली। और वहां जाइए, वहां पर टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ मिल जाता है। अगर आप और भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उनके भी दोस्तों टेस्ट सीरीज मौजूद हैं, या आप वीडियो कोर्स भी ले सकते हैं वहां जाके। तो भाई आप सभी लोगों को दोस्तों बिल्कुल दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने इतना ज्यादा सपोर्ट किया, इतनी ज्यादा दोस्तों मुझे यहां पर इज्जत दी। मैं बहुत ज्यादा दोस्तों आप सभी का आभार रहूंगा, क्योंकि आप सभी हैं और आप सभी की वजह से दोस्तों यहां पर मैं हूं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और धमाकेदार वीडियो में, वो भी जल्दी हाजिर होंगे, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।